हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैमरा सब देख रहा है एंड वी रीच्ड आवर होटल। द नेम ऑफ द होटल इज ब्लिस काउंटी एंड वी आर गोना टेक द फर्स्ट रूम टूर विच इज ऑफ द स्विमिंग पूल फेसिंग रूम। सो देर आर बेसिकली फोर कैटेगरीज ऑफ रूम। टू आर फेसिंग द स्विमिंग पूल एंड द वैली एंड टू हैव द व्यू ऑफ द रोड। तो जैसे ही आप नीचे वाले रूम्स एंटर करते हैं, ये देखिए, दिस इज द रूम एट अ साइट। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब बेसिक एमिनिटीज दी हुई है उन्होंने, एज यू कैन सी। और वन मोर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज कि ये होटल प्योर वेज होटल है। और बाकी अगर आपको कुछ खाना वगैरह है तो यहाँ पे नियर बाय मार्केट है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। एंड ये वाला रूम जो नीचे वाले रूम है, ये हमें थोड़े से छोटे लगे, बट दे आर इनफ फॉर अ कपल। और बाकी ऊपर के जो रूम्स है वो आई थिंक थोड़े बड़े हैं इससे कंपेरेटिवली, वो हम आगे चेकआउट करेंगे। और द बेस्ट पार्ट इज ये पूल में एम्बियंट लाइट है, इट्स वेल लिट गाइस। ये देखिए, गुड मॉर्निंग गाइस, लुक एट द व्यू। ये इंसान नहीं, फॉग की बात कर रही हूँ मैं। मॉर्निंग फ्रॉम द पपीज। So once you enter, this is the hotel name and here is the reception. Also the playing area is supposed to be here. Reception. And we have the breakfast here. What breakfast we have? I don't know what. सो अब हम आ चुके हैं हमारे सेकंड रूम में जो है फर्स्ट फ्लोर पे, और ये है वैली व्यू फेसिंग रूम। ये कंपैरेटिवली बड़ा है और ज़्यादा प्रिटियर भी है, प्लस यहाँ पे एक मस्त बाहर बैठने का बालकनी है। और हमने जो चीज़ नोटिस की वो है, हम दोनों दिन यहाँ पे रुके और यहाँ पे उन्होंने मस्त अलग अलग टॉवल के साथ आर्ट करके हुए रखा था, इट वॉज़ रियली नाइस। प्लस हमें यहाँ के स्टाफ भी अच्छे लगे, दे वर वेरी फ्रेंडली। और ये देखिए, आई एम सॉरी, ये कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट से लिया हुआ है मैंने टू शो यू एकदम डिटेल्स ऑफ द बाथरूम, एक्सट्रीमली सॉरी। और दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ द व्लॉग, मुझे ये बालकनी व्यू बहुत अच्छा लगा था। सनसेट एग्जैक्टली सामने होता है तो दिखता है, हमने कल भी देखा हुआ। और वो देखिए नीचे, वो हमारा रूम है जहाँ पे हम कल रुके थे। और ये देखिए, ये लिफ्ट है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए भी लिफ्ट दिए उन्होंने, सो इट्स गुड। ओवरऑल रिव्यू मैंने यहाँ पे दे रखा है। अब हो रहे हैं शाम के अराउंड 5:30। फर्स्ट डे हमने रेस्ट ही किया था रूम पे, और आज हम जा रहे हैं वीणा लेक, जो हमारे होटल से ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट ही दूर है। और यहाँ के रोड्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर है यार, मतलब दोनों साइड मस्त ग्रीनरी ग्रीनरी है, इतने सारे झाड़, अच्छा लग रहा है एकदम। ठंडी ठंडी हवा, प्लस अभी बारिश रुक चुकी है
और होटल के एकदम एग्ज़िट करने पे तो हमें फ़िलहाल कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं दिखे हैं, तो देखते हैं अब आगे। हाँ, और एक और चीज़, ये होटल के बाहर निकलते हुए ना, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा बोर्ड भी है जहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स के लिए उन्होंने बताया। प्लस रोड ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है नियर द होटल, अभी शायद मॉनसून है उसके वजह से, और वीना लेक जाते वक्त भी बहुत सारे पॉट होल्स मिले हमें। महाबलेश्वर पहुँचने तक का रोड आता है, पहुँचने के बाद नहीं, ये देखिए वो बम्पी राइड हो गया है पूरा यहाँ पे। अरे 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 हाँ, और ये जो होटल है ना, यहाँ पे आपको नॉनवेज फूड मिलता है, सो हम केदार को यहाँ पे ला सकते हैं खाने को। प्लस ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बट वी डोंट नो येट। और इधर से फिर चालू हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे होटल्स, चाइनीज़ के स्टॉल्स वगैरह सब कुछ, बिकॉज़ आई थिंक यहाँ पे आगे सब पॉइंट्स वगैरह हैं। ऑल्सो हमें निकलते वक्त ही होटल से मालूम पड़ा था कि वीना लेक अभी शायद बंद होगा, बट वी कुडेंट रेजिस्ट, हमें जाना ही था वहाँ पे, तो हम जा रहे हैं अभी। सो वी रीच्ड वीना लेक नाउ, और यहाँ पे पार्किंग के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस थी, बट आई थिंक हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे अंदर से सब लोग वापस भेज रहे हैं, पता नहीं शायद हाई टाइड है या फिर बंद हो जाता है बोटिंग। बट यहाँ पे बाकी खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्टॉल्स है, सो यू कैन डेफिनेटली स्पेंड अ इवनिंग ओवर हियर। प्लस यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह भी है। थोड़ा सा हाइजीन मुझे यहाँ पे कम लगा, बट दैट्स ओके, हम यहाँ इंजॉय करने आए हैं व्यू। और यार महाबलेश्वर ने एकदम दिल जीत लिया, बिकॉज़ यहाँ पे फॉग ही फॉग है, और यहाँ पे वेदर ना एकदम अचानक 5-5 मिनट में ड्रास्टिकली चेंज होता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, दिस लुक्स वेरी प्रिटी। और ऐसा बोला जाता है कि वीना लेक इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ मैन मेड एंड नेचुरल लेक। और ये देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के बोटिंग भी है, पेडल बोट भी है, प्लस अगर आप किसी और को लेके जाना चाहें, मतलब जो रो करे, वो बोट्स भी है। अनफॉर्चुनेटली हम ये बोटिंग एक्सपीरियंस नहीं लेके आए, बट वी डेफिनेटली रिकमेंड कि आप आइए। पानी अभी उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा ऊपर है। सो दिस इज़ द व्यू व्हाट वी हैव ऑफ वीणा लेक, और बस नाउ वी आर गोना गो अहेड।